गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चयन विकास के मुख्य सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जो जीके में आते हैं, लैमार्कवाद, डार्विनवाद या उत्परिवर्तनवाद पे प्रश्न आते हैं या नीट में आते हैं, मेडिकल एंट्रेंस जो होता है। इसके अलावा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में इस पे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम एक साथ तीनों की तुलना करेंगे, जो तीन मुख्य सिद्धांत हैं तीनों की तुलना करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लैमार्कवाद की बात की है, डार्विनवाद की भी बात की है। लैमार्कवाद 1809 में लैमार्क ने दिया था। इसको अंगों के उपयोग या अनुपयोग का भी सिद्धांत कहा जाता है और पार्टी शिक्षण के वंशागत का सिद्धांत कहा जाता है। लैमार्क ने वातावरण का प्रभाव, अंगों के बढ़ने की प्रवृत्ति, अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण बताया कि कुछ जीवों में विशेष लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जिनको उपार्जित लक्षण कहते हैं, जिनसे जैव विकास होता है। तो जैव विकास के कारण इन्होंने क्या बताया, उपार्जित लक्षण होता है, एक्वायर्ड करेक्टर्स बताया। और इन्होंने बताया कि जिराफ की गर्दन उपयोग के कारण लंबी होगी, गर्दन और पैर जिराफ के काफी लंबे होते हैं, इसका कारण होता है कि इनका उपयोग बहुत ज्यादा किया, ऐसा लैमार्क ने कहा। डार्विन ने 1859 में करीब 50 साल के बाद में दूसरा सिद्धांत दिया जिसको डार्विनवाद या प्राकृतिक चयनवाद कहा गया, योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत कहा गया। इन्होंने जनन क्षमता, जीवन संघर्ष के कारण स्थायी आबादी, विभिन्नताओं जिसको वेरिएशंस कहा गया, प्राकृतिक चयन अनुकूलन की बात की और बताया कि नई जाति का निर्माण विभिन्नताओं के कई पीढ़ियों की इकट्ठा होने के कारण होता है, इनके कारण नई जातियां बनती हैं। इन्होंने बताया, जिराफ का उदाहरण लिया और बताया कि लंबी गर्दन वाले जिराफ कैसे बने, कि लंबी गर्दन वाले जिराफ ही जीवित रहे, जब वनस्पतियों की कमी हुई तो लंबी गर्दन वाले जिराफ जीवित रहे और जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे तो भूखों मर गए, प्राकृतिक चयन के कारण वो नष्ट हो गए, लंबी गर्दन वाले जीव ही जीवित रहे। इस तरह से बेसिक इन दोनों में अंतर है, मुख्य अंतर जो है इन्होंने उपार्जित लक्षणों की बात की, इन्होंने विभिन्नताओं के कई पीढ़ी तक इकट्ठा होने से नई जाति के विकास की बात की और इन बातों पर इन्होंने ध्यान दिया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। ये 1901 में ह्यूगो डी व्रीज जो कि डच वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक नई खोज की जिसको कहा गया उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। इन्होंने मिरेबिलिस जलापा या यूनिंग प्रिमरोज जिसका वैज्ञानिक नाम होता है आयनोथेरा लैमार्कियाना, इस पर प्रयोग किए और एक नई बात बताई कि जीवों में अचानक कुछ लक्षण उत्पन्न, अचानक कैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं इस पर चर्चा की गई। तो अचानक जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो अनुवांशिक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं क्योंकि ये डीएनए में परिवर्तन होते हैं, डीएनए में परिवर्तन होने के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और नए प्रकार के जीव बन जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए ही ऐसा जीव है, ऐसा जीवों का अणु है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। उत्परिवर्तन कारण नई जाति का विकास हुआ, तो इन्होंने बिल्कुल अलग बात बता दी कि उत्परिवर्तन कारण ही नई जाति का विकास होता है। उत्परिवर्तन कारण नए प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इनको कहा गया डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, ऐसे विभिन्नताएं जो जीवों से अलग नहीं होती है, अविच्छिन्न विभिन्नताएं। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है, विच्छिन्न और अविच्छिन्न। तो ऐसी विभिन्नताओं के कारण ही नई जाति का विकास होता है। उत्परिवर्तन प्रायः हानिकारक होता है, आमतौर पर नुकसानदायक होता है। जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए 1945 में विश्व युद्ध के दौरान एटम बम गिराया गया जापान में, उसके कारण बहुत से आदमी मारे गए और उनमें ऐसे परिवर्तन हो गए जिससे अनुवांशिक रोग हो गए। लेकिन कुछ हानिकारक के साथ साथ कुछ फायदेमंद भी हुए। कृत्रिम उत्परिवर्तन इसको कहा गया, वैज्ञानिकों ने कृत्रिम उत्परिवर्तन किया जिसके कारण नई जीव जातियों की उत्पन्न, नई नई फसलों की किस्में तैयार हुई। इस प्रकार हम देखते हैं लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद में तीनों में काफी ज्यादा अंतर है और तीनों के सिद्धांत बिल्कुल अलग हैं। ओके।